जो जिस तरह से प्रशासन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि ये जो बैलेट पेपर है आखिर कहां से आए, तो दोनों ही पक्ष हमने आपको सुना है। एक तरफ विधायक जो है वो ये कह रहे हैं कि ये बैलेट पेपर मिले हुए हैं और नगर निगम की गाड़ी में ये बैलेट पेपर जो है वो मिले हुए हैं, तो वहीं पर जिलाधिकारी का वर्जन भी हमने आपको सुनाया। उनका कहना था कि जो बैलेट पेपर यूज होते हैं और यूज होने के बाद जो बैलेट पेपर बचते हैं वो बैलेट पेपर ये है और उन्हीं ये वही बैलेट पेपर है जो यहाँ पर बरामद हुए हैं। तो वहीं पर विधायक का ये कह रहा है कि उसमें मोहर भी मिली है और सामान सील करने वाला भी मिला है, तो कई सवाल तो खड़े हो रहे हैं। और जिस तरह से कहा गया कि नगर निगम की गाड़ी में ये जो सामान है वो जा रहा था, तो इस पर भी जिलाधिकारी का कहना है कि सामान किसी न किसी गाड़ी में ही जाएगा। तो आप एक तरफ से सवाल समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम कार्यकर्ता है उनका कहना है कि हम यहीं पर डटे रहेंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और जब तक मतगणना पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहीं पर डटे रहेंगे। और हम आपके पास आते हैं, जिलाधिकारी का ये कहना है कि जो बैलेट पेपर यूज नहीं होते हैं, जो बच जाते हैं, ये वो बैलेट पेपर थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हंगामा कर रहे हैं। और हम अरम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल मुझे सुन पा रहा हूँ मैं जी। तो जिलाधिकारी ने कहा कि जो बैलेट पेपर बच जाते हैं ये वो बैलेट पेपर थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ तो लगभग 11:30-12 बजे से हंगामा चल रहा है। समाजवादी पार्टी के सारे ही लोग प्रत्याशी और कार्यकर्ता प्रतिनिधि सारे यहाँ मौजूद हैं और मुरादाबाद प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। लगातार कार्यकर्ताओं से प्रत्याशियों से बात चल रही है प्रशासन की, और प्रशासन का कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर तहसीलदार पर और जो SDM है उन पर आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि यहाँ अंदर एक मेरे पीछे 7 करोड़ से दिख रहा होगा आपको कि यहाँ मतगणना सुबह होनी। अच्छा अरम, एक बात बताइए अरम, क्या जिस गाड़ी में बैलेट पेपर मिले हैं क्या वो कूड़ा गाड़ी थी क्या नगर निगम की? जी जी, नगर पालिका की गाड़ी थी, विधानसभा ये बिलारी की गाड़ी थी, बिलारी से आई थी और जब ये आई तो यहाँ पर रोको गया और जो BSF पहले मिलिट्री लगी हुई है उन्होंने कहा भी कि यहाँ बात इसे चेक करा के अंदर जाएगी। और पहले बात तो कहने का मतलब था उनका कि अंदर जाएगी नहीं, जब अगर ज्यादा सिर हुए तो वो बोले अंदर जाने से पहले चेक करा लो। चेक कराने के जब चेक करी गई तो उसमें जो है कुछ पेटियां पकड़ी गई, और पेटियां पकड़ने के बाद उसको खोला गया तो उसमें बैलेट पेपर और मोहरे और बहुत सारा उसमें सामान था जो पकड़ा गया। उसे सारा सामान जिला प्रशासन ने अपनी मौजूदगी में ले लिया है और सील कराकर उसे भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, तो नगर निगम की गाड़ी में आखिर ये बैलेट पेपर ले जाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि ये कूड़ा गाड़ी जिस तरह से कहा जा रहा कि कूड़ा गाड़ी थी और उसमें बैलेट पेपर आखिर क्यों ले जाए जा रहे थे, सुरक्षा आखिर क्यों रही थी, और क्या कूड़ा क्या प्रशासन के पास गाड़ियों की कमी है जो नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में बैलेट पेपर ले जाए जा रहे थे? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इससे पहले भी यहाँ बरेली और बनारस में ये हो चुका है और वहां पर भी ये नगर पालिका की गाड़ी ही पकड़ी गई थी और उसमें भी ये जो बैलेट पेपर थे वो पकड़े गए थे वहां को लेकर के। अब मुरादाबाद में ये जो पूरा दृश्य है वो सामने आया है, उस दृश्य को लेकर तमाम हड़कंप मचा हुआ है, पूरा हाईलाइट हो चुका है। मुरादाबाद प्रशासन, पुलिस प्रशासन से कार्यकर्ता अब यहाँ पे धरने दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के नारे लगाए हैं और एक गाड़ी SDM की आई थी उस पर भी हल्ला बोल दिया था समाजवादी कार्यकर्ताओं ने और वापिस भेज दी गई गाड़ी। ठीक है अरम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार अब आपको बता दें कि जिस तरह से आप जो मुरादाबाद के जो जिलाधिकारी है वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो बैलेट पेपर यूज हो जाते हैं उसके बाद जो बचते हैं ये वो बैलेट पेपर थे, लेकिन जिस गाड़ी में जा रहे थे उसको लेकर भी तो सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने वाराणसी, सोनभद्र व बरेली में EVM व मतपत्र मिलने की घटना के बाद मतगणना के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं, इनमें विधायक, MLC व पूर्व सांसद तक शामिल है। तो वहीं सपा MLC उदयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही वाराणसी में गाड़ियों से EVM मूवमेंट की जानकारी का भी आरोप लगाया गया। आपको बता दें कि उदयवीर सिंह को EVM रखवाली के लिए प्रभारी बनाया गया है। तो लगातार आपको बता दें कि EVM को लेकर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के द्वारा एक
पत्र भी लिखा गया है चुनाव आयोग को, वेबकास्टिंग कराए जाने को लेकर पत्र लिखा गया है। तो अलग अलग तरह से तमाम जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और समाजवादी पार्टी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, सांसद को, MLCs को इस काम के लिए लगा दिया है कि आप जाइए स्ट्रांग रूम के बाहर, वहां पर पहरा दीजिए ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना होने पाए। तो ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अब तैयार है और EVM को लेकर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, कई सवाल खड़े होते हैं, प्रशासन पर भी खड़े होते हैं सवाल, क्योंकि बैलेट पेपर अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं, कूड़ा गाड़ी में बैलेट पेपर मिल रहे हैं और EVM इधर से उधर मूवमेंट की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, इसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है, जिस तरह से आपने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सुना कि ये कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, और इसी खबर पर हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता। चंद्रमणि, जिस तरह से लगातार आप तमाम सांसद को, तमाम MLCs को इस काम के लिए लगा दिया गया है कि आप स्ट्रांग रूम के बाहर जाकर रखवाली करिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, लगातार सवाल भी उठाए जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। जी देखिए, कल जिस तरह से बनारस की घटना हुई थी और उसके बाद में अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके तत्काल बाद अखिलेश यादव ने 81 लोगों को प्रभारी बनाया कि मतगणना स्थल है जो स्ट्रांग रूम बने हुए हैं उनकी निगरानी करने के लिए प्रभारी नियुक्त किए गए हर जिले पर, महानगर स्तर पर जो विधानसभा स्थल स्तर वाइज जो काउंटिंग होनी है उसके लिए सभी को उत्तर प्रदेश यहाँ प्रदेश मुख्यालय से प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी जो चुनाव है उसको लेकर बेहद गंभीर है और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार ये कहते आए हैं कि लोकतंत्र के लिए ये आखिरी चुनाव है, तो जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं तो अखिलेश यादव भी इस चुनाव की अहमियत समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लिए वो समझ रहे हैं कि इस चुनाव में अगर वो हारते हैं तो उनके लिए काफ़ी नुकसान होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए और वो किसी प्रकार की चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है, विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि बिहार चुनाव में जिस तरह से देखा गया था कि जो करीबी हार जीत थी वो सत्ता पक्ष को पहुंच गया और जिस वजह से जो भाजपा और गठबंधन वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो गया, तो इस तरह की कोई कमी यहां पर नहीं रखना चाहते और यही कारण है अखिलेश यादव लगातार आगाह कर रहे हैं। और कल जिस तरह से वाराणसी की घटना हुई थी उसके बाद लगातार चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे गए थे, जो गठबंधन के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे, वहां पर चेतावनी देते नजर आए थे कि जब तक वाराणसी के DM और कमिश्नर नहीं हटेंगे तब तक वहां पर मतगणना नहीं होने देंगे, तो तमाम तरह की चेतावनियां दी जा रही हैं। तो दूसरी तरफ से जो कार्यकर्ता है, जो समाजवादी पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं, उनको निर्देश दिया गया है कि जो स्ट्रांग रूम है उसकी निगरानी करें जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। वही प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है, चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि जो काउंटिंग होनी है की वेबकास्टिंग कराई जाए और उसका लिंक जो है सभी राजनीतिक पार्टियों को दिया जाए। तो तमाम तरह की मांगे चल रही हैं, तमाम तरह के प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, चुनाव आयोग लगातार कह रहा है कि उसकी तरफ से निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जा रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल जिस तरह से नतीजे आएंगे तो नतीजों के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट होगा, क्योंकि अगर नतीजे समाजवादी पार्टी के फेवर में आएंगे तो EVM और ये तमाम मुद्दे दबते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के फेवर में नहीं आते तो इन मुद्दों को तूल दिया जाएगा। तो अब ये देखना होगा कि कल के नतीजे और कल किस तरह से नतीजे आते हैं, किस तरह के परिणाम होते हैं, लेकिन अभी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मतगणना स्थल के बाहर जमा हुए हैं, कहीं कहीं पर नारेबाजी भी हुई है, कहीं कहीं पर हंगामा भी हुआ और कहीं कहीं पर प्रशासन से टकराव की भी ऐसी खबरें आई हैं। तो इस समय जो है राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और निश्चित तौर से कल परिणाम आने हैं, तो परिणाम को लेकर काफी गंभीर है प्रशासन, जिसको लेकर लखनऊ में अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है प्रशासन की तरफ से, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं। जी जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार कहा जाए कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ही मुख्यतः जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बाद अब ये इलेक्शन कमीशन जो है कहीं ना कहीं वो मजबूर हो गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए। चंद्रमणि
जी निश्चित तौर से, देखिए अगर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और चुनाव आयोग पर उंगली उठा रही है, तो चुनाव आयोग का भी ये फर्ज है कि उस पार्टी को संतुष्ट किया जाए। और जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहे हैं, और ठीक है चंद्रमणि वापस आएंगे आपके पास, और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं पहले वो आपको सुन लेते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे चंद्रमणि। बहुत भारी मात्रा में निरोधात्मक कार्रवाई भी कराई गई है तथा जो कल की मतगणना होनी है उसके लिए माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और उनके द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन में काउंटिंग स्थल पे जो व्यवस्था होनी है वो कराई जा रही है। ईवीएम सुरक्षा के लिए जो मानक के हिसाब से केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए जाने हैं उनको लगाया गया है तथा सिर्फ मतगणना के लिए लगभग 70,000 सिविल पुलिस, 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएसी का व्यवस्थापन किया गया है। इसके अतिरिक्त जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहाँ पे कुछ स्ट्राइकिंग और स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी निर्देश दिया गया है कि सभी महत्वपूर्ण जगहों पे वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। सभी जनपदों में धारा 144 लागू है। मतगणना के बाद जो विजयी प्रत्याशी होंगे वो कितनी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर लौटेंगे इसका निर्णय स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार लोग भ्रमणशील रहें, हमारी जो सोशल मीडिया टीम है वो राउंड द क्लॉक कार्य कर रही है, वो गृह विभाग में, डीजीपी मुख्यालय में, हमारे रेंज मुख्यालय में, जोन मुख्यालय में तथा जिला मुख्यालयों में इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। वैसे सभी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो गड़बड़ी करने की का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध भी दर्ज किए जाएंगे तथा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। जिस तरीके से पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी का सहयोग, चाहे वो आम जनता का हो, पत्रकार बंधुओं का हो तथा हमारे जो प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारी हैं उनके अथक प्रयास से अभी तक सभी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराई गई है। आगे मतगणना और मतगणना के बाद की स्थिति के लिए हमारी ठोस रणनीति बन चुकी है और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो। ये एडीजी एलओ ने काफ़ी डिटेल में अपने बात रखी है। इलेक्शन कमीशन के मतगणना की जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत क्लियर है और पुलिस विभाग के माध्यम से, शासन के माध्यम से निरंतर जो है डिटेल्ड गाइडलाइंस गई हुई हैं जिसमें एक एक बिंदु पर विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जितना फोर्स मांगा गया था उससे अधिक फोर्स की व्यवस्था कर दी गई है और हर जिले में पर्याप्त सेंट्रल फोर्सेस और जैसा कि अभी एडीजी एलओ साहब ने बताया पर्याप्त पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स और पर्याप्त जो है पुलिस पर्सनल भी वहां लगाए गए हैं। जो भी इलेक्शन से जुड़े अधिकारी हैं उनको पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन इसको लगातार मॉनिटर कर रहा है और साथ ही साथ ये भी देखना है कि कोई भी ऐसा जो है सामग्री, कोई भी ऐसी गाड़ी, कोई भी ऐसी व्यवस्था न करें जिससे कहीं भी किसी भी तरह का कोई जो है भ्रम फैले। सभी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, सभी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी वहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ निरंतर जो है समन्वय बनाकर वो जो भी बिंदु हैं उनको स्पष्ट करें और अगर कोई शिकायतें हैं तो उनका त्वरित रूप से निस्तारण करके उनका समाधान कराएं। इलेक्शन के लिए कल सुबह जो है
काउंटिंग की प्रोसेस शुरू होगी, हर जिले में काउंटिंग की प्रोसेस होगी, उसको निरंतर जो है हर जनपद में प्रॉपरली मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है। लगभग सभी जनपदों में एक ही स्थान पर काउंटिंग हो रही है, कुछ ही जनपदों में एक से अधिक स्थान पर काउंटिंग हो रही है। जहाँ पर एक से अधिक स्थान पर काउंटिंग हो रही है वहाँ के डीएम और एसपी और एडीएम और एडिशनल एसपी को भी कहा गया है कि वो समय समय अपना बांटकर अलग अलग स्थानों का जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग कर लें, और कमिश्नर्स और डीआईजीज आईजीज को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि जो मल्टीपल काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ उचित व्यवस्था कर दी जाए। काउंटिंग सेंटर्स पर पर्याप्त पुलिस बल है, आज जो है लगभग पूरे इस प्रक्रिया में एक महीने दो महीने से अधिक हुआ है पूरे इलेक्शन प्रोसेस का, और इसमें अभी तक 7 राउंड में काफ़ी हद तक जो है प्रॉपर एक व्यवस्था बनाकर सफलता हासिल हुई है। और कल काउंटिंग की जो व्यवस्था है उसमें जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, जो भी वहां के पुलिस अधिकारी हैं, समन्वय बनाकर एक मजबूती से कार्य करें, और कहीं भी कोई भी किसी तरह का जो है अगर किसी की शिकायत है तो उसका त्वरित निस्तारण भी तुरंत कर लें। जैसा एडीजी एलओ साहब ने बताया, सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग कर लें, अगर किसी ने कोई शिकायत दी है तो उसका समाधान करके समुचित उसका जवाब भी दिया जाए। जो भी तो लगातार जिस तरह से कल मतगणना होनी है उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसीएस होम अवनीश अवस्थी और साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार, तो सवाल यही है कि लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है वो दबाव में है और इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, और इसी बात पर सवाल चंद्रमणि आपके पास वापस आते हैं। सवाल यही था कि आखिर प्रेशर में आकर कहीं ना कहीं अब ये जवाब देना पड़ रहा है चुनाव आयोग को और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको। जी, अगर बात करें जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग का ये फर्ज बनता है कि उसका जवाब दे। अगर बात करें काउंटिंग को लेकर तो काउंटिंग को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, जिस तरह से रूपरेखा तैयार की गई है उसको लेकर नियमित तौर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हर बार आयोजित की जाती है चुनाव के पहले, तो इस बार भी उसी क्रम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इसका अगर आरोपों को लेकर ये कहें कि दबाव में आकर प्रशासन की तरफ से इस तरह का कदम उठाया जाता है तो उस तरह नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग जवाब दे रहा है तो निश्चित तौर से यह समाजवादी पार्टी की तरफ से जो जितना ये लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं उसका लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आ रहे हैं, चाहे पत्र के माध्यम से आ रहे हो, चाहे सफाई के माध्यम से आ रहे हो, चाहे उनके अपन मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो जवाब दे रहे हो, तो और प्रशासन की तरफ से भी जवाब दिए जा रहे हैं और जो जिलाधिकारी हैं वो भी लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इस जो कार्यकर्ता है वो इस जवाबों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। और कल के परिणाम भी बहुत कुछ निर्भर करेंगे, क्योंकि अगर उनके फेवर में परिणाम नहीं आते हैं तो निश्चित तौर से वो इन जो मुद्दों को है वो बड़ा बनाएंगे। तो अब देखना होगा कल के परिणाम, और जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है तो क्या निश्चित तौर से उनके कुछ आरोपों में सच्चाई है क्या नहीं है, तो ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये बात जरूर है कि समाजवादी पार्टी इस समय जो है चुनाव आयोग पर हमलावर है, लगातार वो आरोप लगा रही है कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो भाजपा की तरफ से बयानबाजी हो रही कि वो हार में है, हताशा में है, तो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो मिला जुला प्रतिक्रिया आ रही दोनों तरफ से, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग उस तरफ दावा कर रहा है कि निष्पक्षता से चुनाव कराए गए, तो सबके अलग दावे हैं, सबकी अलग बातें हैं, और अब कल के परिणाम आने के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमणि शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं ईवीएम की सुरक्षा पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया शुद्ध प्लस पान मसाला।
की न्यूज खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं, खबर असम से आ रही है। नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को भारी जीत मिली है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है और भाजपा ने असम में 80 में से 74 नगर पालिका बोर्ड जीते हैं। कांग्रेस केवल एक नगर पालिका बोर्ड जीतने में सफल रही है और जिसके बाद से उत्साह का माहौल भाजपा कार्यकर्ताओं में बना हुआ है। नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को भारी जीत मिली है। असम नगर निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सफाया उनका हो गया है। तो आपको बता दें कि भाजपा ने असम में 80 में से 70 नगर पालिका बोर्ड जीते हैं। तो असम नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत हुई है और 80 में से 74 जो नगर निगम बोर्ड है वो उन्होंने जीत लिए हैं। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आप जश्न मनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। आज बहुत खुशी का बात है, हम लोग का गोहपुर में जो म्यूनिसिपल बोर्ड का इलेक्शन हुआ था आज, तो आज तो चुनाव वो चुनाव में 100 आदमी जीता है, 100 कैंडिडेट जीता है, एक आदमी पराजय हुआ है। और जो हुआ है वो तो पार्टी से हुआ है, पार्टी जो कार्यकर्ता था वो कार्यकर्ता से हारा है, लेकिन ये इसमें कोई दुख नहीं है। लेकिन जो जीता है 100 आदमी बहुत खुशी का बात है। अभी अगला दिन में गोहपुर जो डेवलपमेंट का वर्क है वो डेवलपमेंट का वर्क पड़ेगा हम लोग। और कौशाम्बी में ईवीएम की रखवाली समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश पर कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। कौशाम्बी की 3 विधानसभाओं के बनाए गए अलग अलग मतगणना स्थलों पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो डटे हुए हैं। वही कौशाम्बी सरातू विधानसभा से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी ईवीएम की रखवाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके जरिए कार्यकर्ता नजर रख रहे हैं। और इस बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बरेली से जिला प्रशासन ने एसडीएम बहेड़ी को हटाया। ये बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। जिला प्रशासन ने कूड़े की गाड़ी में जिस तरह से बैलेट पेपर मिलने का जो मामला आया था उसके बाद से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बरेली से ये खबर आपको बता दें, एसडीएम पारुल तरार को प्रशासन ने हटाया है। बरेली में कूड़े गाड़ी से बैलेट पेपर का जो मामला सामने आया था उसके बाद ये कार्रवाई बनकरना स्थल पर कल हुए बवाल के बाद ये कार्रवाई की गई है। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिला प्रशासन ने एसडीएम बहेड़ी को हटा दिया है और बरेली में जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है और जिसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया था। पारुल तरार एसडीएम जो है उनको प्रशासन ने हटा दिया है। तो मतगणना स्थल पर कल हुए बवाल के बाद कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की बरेली से सामने आ रही है। कल जिस तरह से बवाल हुआ बरेली को लेकर और अखिलेश यादव ने भी बरेली का जो मामला था उसका जिक्र किया था और उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई की गई है। कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर मिलने का ये पूरा मामला था, इसके बाद अखिलेश यादव ने भी इस पर सवाल उठाए थे और अब जिला प्रशासन ने एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त बरेली से सामने आ रही है। मतगणना स्थल पर कल जो बवाल हुआ उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो जिला प्रशासन ने एसडीएम बहेड़ी को हटा दिया है। पारुल तरार एसडीएम बहेड़ी उनको हटा दिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा। और जिस तरह से बैलेट पेपर कूड़े की गाड़ी में मिले थे और उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार हंगामा किया था और अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिला प्रशासन ने एसडीएम पारुल तरार को हटा दिया है।
तो मतगणना स्थल पर कल हुए बवाल के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन के द्वारा एसडीएम बहेड़ी पारुल तरार को हटा दिया गया है। बरेली से ये बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से हंगामा कर रहे हैं और अखिलेश यादव के आह्वान के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर ईवीएम्स की रखवाली के लिए लगातार डेरा डाले हुए हैं, उसके बाद कल बरेली से जो खबर सामने आ रही थी कूड़े की गाड़ी में तमाम बैलेट पेपर मिलने के बाद हंगामा हुआ था, और अब ये जानकारी उसमें जो अपडेट है वो निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें पारुल तरार एसडीएम बहेड़ी उनको जिला प्रशासन ने हटा दिया है। बरेली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर कल मिले थे, उस मामले में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है और इसी वजह से जिला प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि अगर लापरवाही नहीं होती तो ये कार्रवाई आखिर क्यों, ये भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।